नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को पुस्तकें बांटी और कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा अब स्कूल से वंचित नहीं होगा और साथ ही कहा कि पिछले 6 सालों में सरकार के नेतृत्व में जो भी कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है। प्रयागराज ने एक लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की जो भूमि रही है, यही बगल में सीतापुर का नैमिषारण्य है। प्राचीन काल से ही भारत के ज्ञान और विज्ञान की, अध्यात्म की धरती होने के नाते उत्तर प्रदेश का इसमें एकाधिकार भी था, लेकिन समय के अनुरूप अपने आप को तैयार न करने के कारण एक समय ऐसे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश की पहचान अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी समृद्धि और अपने संसाधनों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे और अव्यवस्था और अराजकता उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। खबर बुलंदशहर से है जहां नगर पंचायत बुगरासी के वार्ड नंबर 6 से वार्ड वासियों ने नगर पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। बता दें कि नगर पंचायत बुगरासी के वार्ड नंबर 6 में पानी निकासी को लेकर कई बार वार्ड मेंबर एवं नगर पंचायत चेयरमैन से शिकायत की गई, जिसके बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं किया गया और बच्चे गंदे पानी में होकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल द्वारा आज 9 रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसको गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह व उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें यह अभियान 1 से लेकर 30 तारीख तक एक विशेष अभियान के रूप में चलाया जाएगा, जिससे घर घर जाकर गाजियाबाद की जनता को जागरूक किया जाएगा कि वह अपने आसपास सफाई रखकर रोगों पर नियंत्रण कर सके। भी परेशानी से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए तैयार रह सके, समाज में सफाई रखने का, बीमारी से बचाव का, फोगिंग के माध्यम से मच्छरों को भगाने का, मक्खियों को भगाने का, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार का जागरूकता अभियान ये व्यापक स्तर पर प्रदेश में चल रहा है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर हमारे गाजियाबाद के आम जनमानस को भी मिलेगा। धन्यवाद। देश के कई राज्यों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है और तेज बारिश के चलते इन राज्यों के तापमान में गिरावट भी आई है। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बारिश के साथ पड़े ओले और तेज हवा से किसानों की गेहूं की फसल जगह जगह गिर गई है और आलू की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि भारी ओलावृष्टि खेतों में बिछी है सफेद चादर, जहां बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल को कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही है। आपको बता दें कि कहीं जगह भारी ओलावृष्टि भी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, बेमौसम बारिश की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को इसका भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी नंदिया, कानपुर जो देखा तो कहीं ना कहीं कल शाम के जो बारिश की ओलावृष्टि को लेकर के देखा है, तो जो किसानों में जो गेहूं की फसल और जो और उसके बाद जो और आधी फसलें जो आलू वगैरह से इस फसल खराब होने से जो किसानों का काफी नुकसान हुआ है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए, इससे पहले जो आपदा बीच में हुई थी उसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश किया था कि टोल फ्री नंबर रजिस्ट्रेशन कराएं, जितने लोगों को लगभग देखा जितनी खेती का नुकसान हुआ है उतनी खेती को मुआवजा दिया जाएगा। पर अगर आप देखा जाए तो जो बारिश है उस बारिश को लेकर के अभी तक मौसम विभाग ने 25 तारीख तक अलर्ट कर दिया, 5 दिन अलर्ट जारी कर रखा है और उसके बाद
देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नुकसान अब हुआ है, अब देखते हैं कि जो सरकार है वो किस तरीके से किसानों को भरपाई करेगी नुकसान का। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। खबर बुलंद शहर से है जहां ऊंचा गांव के पीतमपुर स्थित सविलियन विद्यालय में शौचालय निर्माण को लेकर बीडीओ दफ्तर में भाजपा नेता और पुलिसकर्मी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा नेता राहुल राघव द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। बता दें ये सारा मामला बुलंदशहर के ब्लॉक ऊंचा गांव के बीडीओ ऑफिस का मामला है। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सराय हरिराम विकास खंड प्रतापपुर में प्रधान और सचिव के नाम पर गांव के युवक उमेश कुमार श्रीवास्तव और गांव के कुछ लोग दलितों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुसहर टोली के लोगों ने मामले में जानकारी दी। वहीं इस पूरे मामले में प्रधान ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के बिसोखर गांव से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल महिला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दोनों आरोपी घर पर कॉल सेंटर चला रहे थे जहां रोजाना 28,000 से अधिक कॉल होती थी। आरोपितों की भूमिका खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं इन्होंने अहमदाबाद में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच से पहले भी कॉल की थी जिसका गुजरात के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज था। जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस